अध्याय 46। क्रॉस्टकी ने आगे पूछा, भगवन आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन महाभाग अभी अभी आपने जो कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर कहीं और किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का कोई मतलब नहीं है, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष और स्वर्ग अंतरिक्ष और पाताल सभी तरह के लोकों की प्राप्ति हो सकती है, उसका क्या मतलब है? मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है, इसलिए भारत वर्ष का वृतांत बताएं। जितने उसके भेद हों, जैसी उस देश की स्थिति हो और जो जो यहां पर्वत हों, उनके बारे में भी बताएं। मार्कंड जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, भारत वर्ष देश के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, मतलब एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। 9 विभागों के नाम इस तरह हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्वद्वीप, वारुणद्वीप और नौवा ये भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहां यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय जैसे कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं और इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य भी प्राप्त करते हैं और इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भी भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋष्व, विंध्य और पारियात्र ये यहाँ के 7 पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, बहुत ऊंचे और बहुत सुंदर हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दुर्द्राचल, वात्स्वन, वैद्युत, मैनका, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, तुर्जयंत, रैवत, अबुर्द, ऋष्यमूक, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्रीपर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और भी हैं, जिनसे मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्व स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा मतलब चिनाब, यमुना, शत्रदु यानी सतलज, वितस्ता यानी झेलम, इरावती यानी कि रावी, कुहू, गोमती, धूत पापा, बाहुदा, दृश्यद्वती, विपाशा यानी कि व्यास, देविका, रंशु, निक्षिरा, गंडकी, कौशिकी यानी कि कोसी नदी। ये सभी नदियां हिमालय की तलैटी से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वत्रघ्नी, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चरमणवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती यानी कि वेतवा, शिप्रा और अवंती, इन नदियों का उद्गमगान पारियात्र पर्वत है। महानद सोन नदी, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दशारणा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, विपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी, ये नदियां स्कंद पर्वत से निकली हैं। शिप्रा, पयोष्णी, निर्विद्या, तापी, निषिधावती, वेण्या, वैतरणी, सीनिवाली, कुमुद्वती, कर्तोया, महागौरी दुर्गा और अंतःशीला, ये पुण्य सलिला कल्याणमयी नदियां विंध्याचल पर्वत से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, बाह्या और कावेरी ये सह पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्प्लावती ये मलियाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत ही शीतल है,
पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इच्छुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वशंकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी ये शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। सभी गंगा और सरस्वती के समान पवित्र हैं और सारी नदियां परंपरा से समुद्र में मिल जाती हैं। ये सारी की सारी नदियां जगत के लिए माता जैसी हैं। ये सभी लोगों के पाप हरती हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके अलावा और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहती रहती हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अबुर्द, अर्कलिंग, मलक और व्रक ये प्रायः मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहां गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहां अनेक जनपद हैं जिनके नाम इस तरह हैं: बलख, वाटधान, आभीर, काल तोयक, अपरांत, शूद्र, पहव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, केकय और दशमालिक। ये सारे क्षत्रियों के उपनिवेश हैं और इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बहाय तोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, केशरूक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं जो वहां रहती हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शूलिक, कुहक, उरुणा और दाव्र ये समस्त देश उत्तर में हैं। अब पूर्व के देशों के बारे में सुनो: अभ्रारक, मुद्ररक, अंतरगिरी, बहिरगिरी, प्लवंग, रणंगेय, मालद, मलवत्रिक, ब्राह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, गेमल्लक, प्राज्ञ ज्योतिष, मद्र, विदेह यानी कि मिथिला, त्रामलप्तिक, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूरब दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद सुनो: पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, शैलूष, मूषिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, महिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, शबर, पुलिंद, विंध्यमालेय, वैधर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र प्रदेश, उद्भिद, वंदारक ये सभी दक्षिण दिशा में हैं। अब अपरांत देशों के बारे में सुनो: सूरपारक, कालिबल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्वापद, कुरुमिन, कठाक्षर, कारसमर, लोहजग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक क्याव, नर्मदा के उत्तर के देश भीरुकक्ष, महाय, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवंत्य और अबुर्द ये अपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं: सरज, केरुष, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किष्किंधक, तोशल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुल, पटु, नैषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हुए हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन कैसे होता है वो देखो: निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुगर्ण, खस, कुंत प्रावरण, उर्ण, दाव्र,
कृत्रक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस। ये पर्वतों के आश्रय में बसे हुए हैं। इतने देशों से परिपूर्ण ये भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की व्यवस्था भी है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष के प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत स्थित है। यह भारतवर्ष सारे तरह के उन्नति का बीज है। यहां शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदंडों का स्थान भी मिल जाता है। इसी तरह यहां निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प और स्थावरों की योनि भी मिलती है। ब्रह्मन, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। हे ब्रह्मन, देवताओं के मन में भी सदा ये अभिलाषा रहती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्यों के रूप में ही पैदा हों। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र भी सांसारिक सुखों के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते।